हाँ तो भाई क्यूड़ास कैसे तुम लोग, और स्वागत है फिर से तुम्हारा एक और नए ब्लॉग में। और कल ब्लॉग नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, और इसका रीज़न दिखा दें, वो है ये कपड़े देख रहे हो, यहाँ से चालू जाते हैं कमरे के एंट्री से और यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, दरवाजे पे सूख रहे हैं एंड देन वहाँ पे भी देख रहे हैं, मतलब हम बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं बालकनी में। तो भाई यही सीन है, बाकी अभी हमें सोच रहे हैं वेट मेजर कर लें क्योंकि दिन काफ़ी सही है। और मैं वडोदरा का मौसम यहाँ से दिखा देते हैं, देख लो भाई धूप बहुत बढ़िया निकल रही है, धीरे धीरे गर्मी चालू होने लगी यार, मतलब 5 नंबर पंखा ना चलाएं तो नींद नहीं आने वाली। तो अभी वेट नापते हैं, वेट देखोगे तुम, इसको रख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो सीन ये है निर्वस्त्र और हम ये रहे, और हमने टोपा लगाया हुआ है क्योंकि थोड़ा थोड़ा यानी सुबह सुबह फटती है भाई, कहीं अगर यहाँ गलती करती तो बीमार पड़ेगा और अभी हम बीमार पड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। तो वेट देखो भाई, ठीक है 1 किलो कैमरे का जन हटा दो 94.6, और 1 किलो का, 1 किलो तो नहीं होगा, खैर ये 300-400 ग्राम वो हटा दो कच्चा, अच्छा तो कुछ नहीं 94+ तो है, ये चीज़ अच्छी है, मतलब अगर गोल को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन देखा जाएगा, मेन चीज़ है अपना बेस्ट देना है। बाकी अगर तुम्हें बता दें ज्ञान की बात, हमेशा अपनी सब्जियाँ पका के खाओ, ठीक है, कुक लेनी है ठीक है, कुक या स्टीम या फ्राइड कुछ भी कर लो बट पका के खाओ, ठीक है भाई। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो जो पहला मूवमेंट कर रहे हैं वो है इंक्लाइन बेंच, इसमें 13 प्रेसेस, इसके बाद फ्लैट भी करना है तो शुरू कर रहे हैं इंक्लाइन, इसके शुरू करेंगे ये 15 की प्लेट से यानी 35 पाउंड से, देन इसके बाद धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे तो वो तुम देखोगे। पिछली बार जो है 25-25 की प्लेट लगाई थी, 35 शुरू किया है, एटलीस्ट एक प्लेट बढ़ाने की इंक्रीज कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पिछली बार 25 में 3 गए थे, जैसे एक 35 जा सकें, बाकी की 2 25, तो एटलीस्ट थोड़ा वेट बढ़ेगा। इसमें फटेगी भाई, सोच रहे हैं इसमें अगले बेल्ट लगाएं। आखिरी सेट में उसमें सिर्फ 2 ही निकले हैं, तो वेट ड्रॉप करके इसमें आखिरी के सेट में वेट लगाएंगे, मतलब रेप्स लगाएंगे। ओके भाई, तो जो अगला मूवमेंट करा रहे हैं वो है फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, 55 से शुरू करेंगे। अब मेन 3 सेट शुरू होंगे, 80-90-100, पिछली बार 100 से 5 आए थे वही फटी में, तो इस बार देखना है ना कितने आते हैं, कोशिश तो करेंगे पिछली बार से इम्प्रूव करें, बट जब तुम सेट लगा रहे हो तब काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं, वो डिसाइड करते हैं कितने लगेंगे, अभी तक तो ठीक लग रहा है क्योंकि 70 से 12 एकदम ही कहते हैं ना कि बड़े मज़े से 12 आए थे 70 से। Oh.
पाँच आए थे तो अच्छा आए थे और तीन ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो था लेकिन इतना मान के चलो अगर हम वापस दम्बल लग पाएँ तो थी हमारे अंदर और दम, लेकिन थोड़ी फट रही थी इसलिए आगे नहीं गए छः से आगे। अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार या तो इससे आठ आएंगे या 110 ट्राई करेंगे। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है केबल फ्लाइज अगेन। ये लोअर चेस्ट के लिए कर रहे हैं क्योंकि एक इंक्लाइन मूवमेंट हो चुका है, एक फ्लैट हो चुका है। और एक चीज़ और तुम बताएं जो तुमने शायद नोटिस ना किया, पिछली बार हमने जो सौ से किया था उसमें बेल्ट पहने थे और रिस्ट सपोर्ट लगाए हुए थे, तो और कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारी क्या कहते हैं विल पावर कह लो या फिर फुल अपनी स्ट्रेंथ से लिफ्ट किया, वो भी एक रैप ज़्यादा। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हम, इम्प्रूव करेंगे इसको। और बाकी अब तुम देखोगे इसमें हल्के से ज़्यादा वेट नहीं लगाएंगे, थोड़ा मीडियम ही वेट लगेंगे। तो अगला मूवमेंट देने वाले हैं रियर डेल्ट के, दो मूवमेंट करने हैं। उससे पहले हम शोल्डर पे जाएं, उससे पहले दो रियर डेल्ट के मूवमेंट करेंगे। पहला है रियर डेल्ट डंबल फ्लाइज अगेन, इसको थोड़ा सा हैवी रखेंगे। तो जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है रियर डेल्ट मशीन फ्लाइज, जो केबल फ्लाइज वाली मशीन होती है उस पर ही करेंगे, तो वो तुम देखोगे क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें बाइट बात है तुम आगे तक हम पूरा नहीं ले आते, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखते हैं, तो वो तुम देखोगे। जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है डम्बल साइड ड्रिल, और ये मिरर से उल्टी तरफ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से नीचे लाइटिंग अच्छी आती है, तो जो सामने वाला मिरर है उसमें हमारे डल्ट अच्छे दिखते हैं। तो यही एक रीज़न है, ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे, 15 से ही शुरू करेंगे और मैक्सिमम 20 तक ही जाएंगे शायद, 22.5 तक बस। ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था। आज हमने 6 एक्सरसाइज की जिसमें से 3 चेस्ट की थी, 2 रियर डेल्ट की थी और 1 थी लेटरल डेल्ट की। तो लेटरल डेल्ट को तो अभी भी ज़्यादा ट्रेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पता है जैसे ही ट्रेन करते हैं यहाँ पे हम स्टिफनेस फील करने लगते हैं। बाकी रियर डेल्ट काफ़ी सही होता जा रहा है, वो चीज़ सही है। बाकी तुमसे मिलते हैं घर पर।